आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। गुरुवार की शाम कुछ रूपा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 121वीं जयंती के अवसर पर निकाली गई रैली। राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, सीखने में कोई बुराई नहीं, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का बयान। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से करीब 22,000 अनाधिकृत लाउडस्पीकर हटाए गए। एसएसपी कुलगाम की देखरेख में कुलगाम पुलिस ने कुलगाम के चावल गांव में इफ्तार पार्टी का किया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार की शाम को चिड़गुप्पा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीयकर जाबा की अध्यक्षता में एक रैली निकाली गई। इस रैली में डीजे पर गाना लगाकर लोगों ने जश्न मनाया। ये रैली चिड़गुप्पा के अम्बेडकर भवन से निकलकर शहर के मुख्य रास्तों नेहरू चौक, गांधी चौक, बसौरा चौक से गुजर कर अम्बेडकर चौक पहुंची। चिड़गुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप के बीच हिंदी को लेकर एक विवाद के बाद कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वथ नारायण ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार कर्नाटक में कन्नड़ भाषा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी, लेकिन साथ ही साथ हिंदी सीखना भी आवश्यक है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषा है। उन्होंने कहा कि अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए किसी अन्य भाषा से नफरत करने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा, हमें कन्नड़ के पोषण के लिए रचनात्मक तरीके से हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है, लेकिन हिंदी सीखने में कुछ भी गलत नहीं है, वो भी तब जब हम अंग्रेजी सीखने पर अधिक जोर दे रहे हैं। हिंदी राष्ट्रीय स्तर पर संवाद की भाषा है। राज्य सरकार कन्नड़ सीखने को अनिवार्य बनाने के निर्णय पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये सच की वर्तमान में इसे लागू करने में बाधा आ रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि निकट भविष्य में कर्नाटक में कन्नड़ सीखना आवश्यक हो जाएगा। वेस्ट बेंगलुरु के संकटकते में एक शख्स नागेश ने 23 साल की लड़की पर तेजाब फेंक दिया। घटना आज सुबह मुथूत फाइनेंस के पास हुई। बच्ची जल गई थी और उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब लड़की ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने उस पर तेजाब फेंक दिया। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने आरोपी नागेश की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने हमले के बाद भागे आरोपी नागेश की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि नागेश ने पीड़िता का पीछा किया जब वो काम पर जा रही थी, इसके बाद उसने उस पर तेजाब फेंक दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव आज 29 अप्रैल को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में इफ्तार की दावत का आयोजन कर रहे हैं, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री हर साल मुसलमानों के प्रति सद्भावना के रूप में इफ्तार का आयोजन करते हैं, जिसमें मुस्लिम धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक नेताओं के साथ साथ अन्य वर्गों के प्रतिनिधि और उच्च अधिकारी शामिल होते हैं। लेकिन इस साल कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के इफ्तार और रात्रि भोज का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने गुरुवार को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हिंसा से किसी भी समाज का फायदा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिस समाज को हिंसा प्रिय है, वर्तमान में वो अपने अंतिम दिन गिन रहा है। मोहन भागवत ने कहा, हिंसा से किसी का भला नहीं होता है, हमें हमेशा अहिंसक और शांति प्रिय होना चाहिए। इसके लिए सभी समुदायों को एक साथ लाना और मानवता की रक्षा करना जरूरी है। हम सभी को इस काम को प्राथमिकता के आधार पर करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से करीब 22,000 अनाधिकृत लाउडस्पीकरों को हटा दिया गया है और अन्य 42,000 लाउडस्पीकरों की ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज धीमी की गई है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि धार्मिक स्थलों से अनाधिकृत लाउडस्पीकरों को हटाने और अन्य की आवाज को अनुमेय सीमा के भीतर निर्धारित करने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। कुमार ने कहा कि बृहस्पतिवार शाम तक कुल 21,963 लाउडस्पीकरों को हटा दिया गया है और 42,332 लाउडस्पीकरों की ध्वनि विस्तारक यंत्रों की आवाज धीमी कर दी गई है। अब वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। ये देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा आजम खान के घर पहुंचे। उन्होंने आजम खान की पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आजम खान पर लगाए गए फर्जी मुकदमे भाजपा की तरफ से बदले की भावना के तहत किए गए हैं। रामपुर से केपी न्यूज की संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी से दूर करते जा रहे, जैसे भी विधायक हैं बरेली के शहीद इस्लाम, वो भी योगी जी से मिले, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? मैं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करना चाहता, मैं इंसान की बात करना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का अधिकार है। तो आजम खान साहब अगर विपक्ष के नेता हैं, आजम खान साहब अगर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उन पर झूठे मुकदमे थोपे जाएंगे। झूठे मुकदमे थोपना बहुत बड़ा गुनाह है, इसीलिए मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं। मैं तो हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री के साथ साथ वो साधु हैं, और साधु के राज में इतनी जाति, इतना जुल्म बेगुनाह इंसान पर, एक शरीफ आदमी पर, दिस इज़ नॉट फेयर।
इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मैं कह रहा हूँ, पूरे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को कहना चाहता हूँ, सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल एक पार्टी का नहीं है, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को ये सोचना पड़ेगा कि अगर किसी की हुकूमत है तो विपक्षियों को अपने दुश्मन की तरह व्यवहार ना करें। सत्ता आती है जाती है, इसलिए आज हम आए हैं, परिवार के साथ खड़े हैं और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। अखिलेश, ये सवाल तो अखिलेश जी से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सर, एक बहुत सोशल आप सोशल एक्टिविटी से भी जुड़े हुए हैं, जिस तरह से ये माहौल प्रदेश में बनाया जा रहा है, क्योंकि अब नमाज ईद भी है और अलविदा भी है, अभी जिस तरह से लाउड स्पीकर और सड़कों पर नमाज पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि रिवायत चली आ रही थी। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको सभी पार्टियों को और पूरे देश को उसका पालन करना चाहिए, सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को पालन करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे, हिंदुस्तान की जुडिशरी पे हमको विश्वास है। इसमें एक डेसिबल तय किया हुआ था, लेकिन अब जो है उतारने की बात आ गई, उस डेसिबल को फॉलो किया जा रहा था, उसके बाद ये है कि अब मस्जिदों के अलावा नमाज नहीं पढ़ सकते। देखिए, मुझे लगता है अभी मुझे जब तक मैं उसके पूरे फैसले को, पूरी गाइडलाइन को पढ़ना लूँ, तो इस पर मेरा अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। थैंक यू, शुक्रिया। तारीख से बहस होगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज़म खां साहब और आज़म खां साहब का परिवार और हम लोग न्यायपालिका के फैसले पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। हमें यकीन है कि इंसाफ होगा, हमें यकीन है कि न्याय होगा, और आप यकीन करिए कि 4 मई भी आएगी और आज़म साहब की रिहाई के आदेश के साथ फिर इस घर में दोबारा ईद मनेगी। अखिलेश यादव पर जिस तरह से विरोध चल रहा है, देखा जाए जो विरोध चल रहा है रामपुर से शुरू हुआ, उसके बाद शिवपाली यादव जी गए, उनका भी विरोध शुरू हो रहा है, आप भी मिलने के लिए गए, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? क्या अखिलेश यादव को घेरा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्यों घेरेंगे उनको, लेकिन मुझे बताओ कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा व्यक्ति है जो हमारी पार्टी की एक ताकत है, उनके साथ जब जुल्म होता है तब समाजवादी पार्टी से जो तवक्को थी, जो उम्मीद थी, वो उस पर खरे नहीं उतरे। आज़म खां साहब थोड़ी कह रहे हैं अभी कुछ, मैं तो जेल में उनसे काफ़ी देर मेरी मुलाकात हुई, मायावती ने बयान दिया है कि लेकिन उन पर जो जुल्म हुआ है, उन पर जो ज्यादतियाँ हुई हैं, तमाम एजेंसीज ने जो इंट्रोगेशन जेल के अंदर किया है, जब आज़म खां साहब बाहर आएंगे तब हम लोग इस पर बात करेंगे। मैं अभी उन बातों को शेयर नहीं करना चाहता हूँ। मेरा तो कलेजा कांप गया कि आज़म खां साहब के साथ इतनी ज्यादतियाँ हुई हैं, मेरी तो आंखें चल चल आईं, ये गुनाह है। तो अगर आज़म खां साहब के साथ जुल्म हो रहा था तो उनकी पार्टी के मुखिया का फ़र्ज बनता था, उनकी पार्टी का फ़र्ज बनता था। आज़म खां साहब कोई गली मोहल्ले के नेता थोड़ी है, इस देश के बहुत बड़े नेता हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने ईमानदारी से सियासत की है, तो उनके साथ पार्टी को खड़ा होते हुए दिखाई देना चाहिए था। तो ये इस अगर गुनाह बीजेपी ने किया है तो माफ़ करना, समाजवादी पार्टी का भी कम गुनाह नहीं है। तो एक के बाद एक देखा जाए, मुस्लिम जो एसएसपी कुलगाम की देखरेख में कुलगाम पुलिस ने कुलगाम के चावलगाम में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें अल हिलाल आवासीय शिक्षण संस्थान चावलगाम के अनाथ और वंचित बच्चों ने भाग लिया। एसएसपी कुलगाम के साथ अपर एसपी एनएसडब्ल्यू श्री माजिद मलिक, जेकेपीएस डीएसपी मुख्यालय कुलगाम श्री गुलाम मोहम्मद भट्ट, जेकेपीएस ने इफ्तार पार्टी में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए एसएसपी कुलगाम ने एल हिलाल आवासीय शिक्षण संस्थान चावलगाम के कर्मचारियों और आयोजकों के प्रयासों की प्रशंसा की। केपी न्यूज के संवाददाता राजा शफी की रिपोर्ट। आज ही पता चला, मतलब इतना ग्रेट सर्विस योर। रामपुर के पिपली वन क्षेत्र में खाली पड़ी 2200 एकड़ जमीन में लगे उद्योग फैक्ट्रियां, जिससे रामपुर के आसपास के लोगों को मिल सके रोजगार, इस संबंध में मुख्यमंत्री से लेकर रामपुर जिला अधिकारी को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने पत्र देकर उद्योग लगाने की मांग की। आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के मुख्य कार्यालय तिलक नगर कॉलोनी पर एक बैठक का आयोजन कर जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने बताया कि जनपद रामपुर में बेरोजगारी की स्थिति में सुधार करने हेतु एवं रोजगार के भारी भरकम अवसर जनपद रामपुर में उपलब्ध कराने हेतु एक विशेष औद्योगिक जोन के स्थापना की अति आवश्यकता है। इसके लिए बिलासपुर एवं स्वार तहसील की सीमा से जुड़े हुए वन विभाग के लगभग 2200 हेक्टेयर भूमि से भी ज्यादा भूमि
खाली उपलब्ध है, जिसमें समस्त सुविधाएं वो समस्त स्कीमों से युक्त औद्योगिक जोन की स्थापना हो सकती है। साथ ही रामपुर शहर में बंद पड़ी राजकीय चीनी मिल पुनर् शुरू कराने की कवायद होना भी अति आवश्यक है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार के साथ ही जनपद के किसानों को भी जबरदस्त आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इस अवसर पर व्यापार मंडल द्वारा जनपद रामपुर में अर्थव्यवस्था को मजबूत कराने हेतु एक विशेष औद्योगिक जोन की स्थापना और चीनी मिल शुरू कराने की आदेश जारी करने की मांग की गई। केपी न्यूज के रिपोर्टर नाजिम अली की रिपोर्ट। संदीप भाई, आपने उद्योग लगाने को लेकर बड़ा मुद्दा छेड़ा है और डीएम से लेकर कई बड़े अधिकारियों को अवगत भी कराया है। पिछले वर्ष में कितनी ऐसी बीघे जमीन है, एकड़ जमीन है, जहां पर आप उद्योग लगाने के लिए आपने बात कही है? देखिए, जनपद रामपुर का आप स्थिति देख रहे हैं, यहां पर बहुत लंबे टाइम से बेरोजगारी की स्थिति है। स्थिति ये है कि यहां का 50% परिवारों में से कोई ना कोई बच्चा बाहर देश में या विदेश में किसी कोने में नौकरी के लिए, रोजगार के लिए भागा भागा गया है। ऐसी पलायन की स्थिति में जब यहाँ की जनता बेरोजगारी से परेशान हो रही थी, रोजगारी के लिए तड़प रही थी, रिक्शाओं की अंबार लगी, जगह जगह रिक्शाओं की लाइन लगी है, व्यक्ति के पास अपनी रोजी रोटी पालने के लिए क्या तो ठेला, ठेले पर सब्जी और फल बेचने को मजबूर है, और ठेला नहीं चला रहा तो रिक्शा चलाने को मजबूर है। जब ऐसी विषम परिस्थितियाँ रामपुर की जनता के पास मौजूद थी, तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पर उद्योग को लगाने का मिशन लगाया। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है, उनको अवगत कराया कि यहाँ पर उद्योग लगना बड़ा आवश्यक है। 1000 बड़े उद्योगों का सिटकुल स्थापित होना जनपद रामपुर की फरजमी पर अति आवश्यक है। स्वार तहसील और बिलासपुर तहसील और चमरौवा के बीच में वन विभाग की पीपली जंगबन के पास में 2200 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि खाली पड़ी है, जिस पर यह बड़ा सिटकुल औद्योगिक जोन स्थापित हो सकता है, जिसके अंदर 1000 बड़े उद्योग स्थापित हो सकते हैं, जिससे पूरे भारत देश के बड़े बड़े उद्योगपति आने के बाद रामपुर जनपद में आने के बाद उद्योग व्यापार बढ़ा सकते हैं, जिसके अंदर 10 साल का एग्जेम्पशन मिलेगा एक्साइज में, फेल टैक्स में, GST में, और सारी छूटें मिलेंगी। इसमें माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश को विकास की तरफ लेके जा रहे हैं, और देश के ईमानदार और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय। एक और जहां कई जगह से सांप्रदायिक तनाव की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर शाहबाद से सुकून भरी और मानवता का संदेश देने वाली खबर है। एक रोजेदार मुस्लिम युवक ने रोजा होते हुए खून दिया और हिंदू महिला को जीवन दान दिया। उनके इस कदम की क्षेत्र में हर तरफ तारीफ हो रही है। हिंदू महिला को खून देकर मुस्लिम युवक ने गंगा जमुना तहजीब और भाईचारे की मिसाल पैदा की है। मामला जिला रामपुर के कस्बा शाहबाद नगर का है, जहां मोहल्ला फराशान निवासी राम रक्षपाल की पत्नी शांति की तबीयत खराब होने पर CHC शाहबाद में भर्ती कराया गया। वहाँ चिकित्सकों ने महिला को खून की कमी बताई और हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। महिला को ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत थी। जैसे ही ये बात नगर के बसपा नेता सैयद सिराज अली को पता चली, तो उन्होंने रक्तदाता सैयद तैयब मियां से संपर्क किया। भाजपा नेता सैयद तैयब मियां ने रक्तदान कर महिला की जान बचाई। इस बारे में जब तैयब मियां से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सभी मजहबों में इंसानियत सबसे ऊपर है। उन्होंने मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना गीत को चरितार्थ किया। केपी न्यूज के रिपोर्टर नाजिम अली की रिपोर्ट। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मपाल सिंह लोधी है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जिला मंत्री हूँ जी। जी तैयब भाई, आपसे कैसे कनेक्शन है? तैयब भाई भी भारतीय जनता पार्टी में आरसुकर मोर्चा से जिला मंत्री हैं और हमारे घनिष्ठ संबंध मित्र हैं। और ये जो है हिंदू मुस्लिम, इसकी जो है एक इन्होंने मिसाल पैदा की है, एक बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने एक हिंदू महिला को जो है अपना रोजे में रमजान में खून दिया उन्होंने। यानी ये पूरे विश्व में जो है, पूरे भारत में हमारे बहुत अच्छा काम किया, नेक काम किया। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सैयद सिराज अली जी, निवासी शाहबाद। आपके क्षेत्र शाहबाद में एक मुस्लिम भाई द्वारा हिंदू महिला के लिए रक्तदान किया गया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही सराहनीय काम, अल्लाह ने उन्हें ये मौका दिया और उन्होंने बखूबी निभाया। कल एक फ़ोन कॉल ही किया था, और रोज़े रमज़ान में जहाँ भी पॉजिटिव की एक शांति देवी नामक महिला को ज़रूरत थी रामपुर से, तो काफ़ी लोगों को ट्राई करने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया, कोई जाने को राजी नहीं हुआ। इस पीरियड में
सैयद तैयब भाई बड़े भाई को बस एक बार बताया गया और वो अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचे और महिला को रक्तदान किया अपना, उनके साथ में जो साथी थे उनकी फाइनेंशियल भी मदद करी गई, और ये इंसानियत की एक बेहतरीन जो मिसाल कायम की है हमारे देश में। मैं मानता हूँ ये हर सूबे में ऐसी मिसाल होना चाहिए। तैयब भाई जैसे लोग अगर ऐसी आगे आए, युवाओं की मिसाल पैदा की है, तो मानते हैं कि जो हमारी पूरी दुनिया में जो हम गंगा जमुना तहजीब से जाने जाते हैं, वो इस ज़िले से, छोटे ज़िले से पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाएगा कि हम ज़मीन स्तर पे एक हैं और हमारा हिंदुस्तान सब समाज का है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सैयद तैयब मियाँ है जी। मैं मोहल्ला कानून ग्रांत तहसील छवा ज़िला रामपुर का रहने वाला हूँ। तैयब भाई, जिस तरीके से आपकी एक प्रशंसा हो रही है क्षेत्र में, बल्कि पूरे ज़िले में प्रशंसा का जो आप बात बन गए हैं, आपने रोजे में, आपके रोजे चल रहे हैं, रोजे में एक हिंदू महिला के लिए रक्तदान किया है, तो आप कैसा उसको फील कर रहे हैं, किस तरीके से आप उपदेश देना चाहेंगे आम जनता के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये मुझे अल्लाह की तरफ से ही मेरी मदद आई है, या मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है, ये अल्लाह का एहसान शुक्र है, और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज भाईचारे की, सद्भावना की पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को ज़रूरत है। जैसे एक प्यासे को, इंसान को प्यास की में एक पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे हमारे हिंदुस्तान के लोगों को भाईचारे की, सद्भावना की बहुत ज़रूरत है। मतलब जिस तरीके से आपने ब्लड डोनेट किया जी, हल्की फुल्की ऐसी कमजोरी रहती है, लेकिन अगर रोजा हो तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पानी नहीं पिया जाता है जी, तो इस तरीके में आपको किस तरीके से आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से ताकत मिली मुझे, क्योंकि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला या ईश्वर या भगवान जो भी एक शक्ति है निरंकारी, वो हमारी मदद करती है। आपके बारे में बताया गया है कि आपने लॉकडाउन में भी लोगों को बहुत मदद की, उनको दवाइयाँ घर घर जाके पहुँचाई हैं, उनको दवाइयों को लाकर बाहर से, और भी कई तरह की मदद आपने की। हाँ, ये सन 2020 की बात है, जब प्रथम लॉकडाउन लगा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी अल्लाह ने मेरी मदद करी थी, तब भी मैंने शहबाद के लोगों को फैस पहुँचाया था, और ग्रामीण में जो जनता रहती है उनको भी मैंने फैस पहुँचाया था। इसमें हमारे उस टाइम में SDM साहब थे प्रवीण वर्मा जी, उनके सहयोग से ही मैंने काम किया था, मेरी पूरी टीम थी, सबका मैं आभारी हूँ, पूरी टीम का, उनकी टीम के साथ मैंने अपनी टीम के साथ काम किया। क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके से? मैं यही कहना चाहूँगा अपनी आवाम से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, अजीज़ों से, कि इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म है, कि पहले इंसानियत है उसके बाद धर्म। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में ऐतिहासिक मुगल रोड पर गुरुवार को एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 7 लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि श्रीनगर की ओर जा रहा एक टेम्पो सड़क से फिसलकर खाई में गिर गया। इस घटना में कम से कम 7 लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि पुलिस और चिकित्सक दल दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल शोपियां में भर्ती कराया गया है। केपी न्यूज के संवाददाता राजा शफी की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। गुरुवार की शाम को चिड़ूप्पा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 121वीं जयंती के अवसर पर निकाली गई रैली। राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, सीखने में कोई बुराई नहीं, कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का बयान। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से करीब 22,000 अनाधिकृत लाउडस्पीकर हटाए गए। SSP कुलगाम की देखरेख में कुलगाम पुलिस ने कुलगाम के चावल गांव में इफ्तार पार्टी का किया आयोजन। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24x7। धन्यवाद।